वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय है, इनमें नगरीय क्षेत्रों में जो शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जो पट्टे दिए जाने थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, उसको दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें खासकर वो लोग, जैसे हमारे सिंधी समाज के काफी लोग बाहर के आ गए थे, उन लोगों के आने वाले पट्टे भी हैं। इसमें जो 8/12/2022 को मंदसौर जिले के नगरीय क्षेत्रों के भूमि अधिकार योजना के प्रीमियम कम किए जाने वाला भी विषय इसमें है। आवासीय भूखंड जो 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए है, उसमें बाजार मूल्य का 1% के बराबर पर ब्याज लेकर भूभाटक देने का भी इसमें कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसी तरह से 19 मई 2022 के जो मुख्यमंत्री नगरी भू अधिकार योजना के जो नगरी क्षेत्रों के पट्टे हैं और शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों के पट्टे हैं, उस अवधि में वृद्धि कर 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने संबंधी घोषणा के अनुसार भी इसमें संशोधन लिया गया है। इसमें दूसरा एक जो विषय काफी है, जिसमें हम हिंदुस्तान में नंबर वन हैं, कि वो जो फसलों की क्षतिपूर्ति है, जो ओले पड़ जाते हैं, पाला पड़ जाते हैं, बाढ़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, जैसी स्थितियों में जो आरबीसी की 6-4 राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जो फसल क्षतिपूर्ति की सहायता है, उनके मानदंडों में भी अब संशोधन किया है। उसमें जो संशोधन किया गया है, उसमें 25 से 33 वाले जो फसल क्षति का है और 33 से 50 की फसल क्षति का है, और 50% से अधिक होने पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये 100% माना। पहले जो 5,000 रुपया दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 5,500 2 हेक्टर से कम वाले को, जिसे हम लघु सीमांत कहते हैं। इसी तरह से सिंचित फसलों में जो 9,000 के स्थान पर 9,500 रुपया, 33 से 50 में 8,000 के स्थान पर 8,500 रुपया, और सिंचित फसलों में 15,000 के स्थान पर 16,000 रुपया, 50% से अधिक पर 16,500 के स्थान पर 17,000 रुपये, सिंचित फसल के लिए 30,000 के स्थान पर 32,000 रुपये, और 12 मासी। इस तरह से ये राशि पूरी आरबीसी 6-4 में संशोधन करके बढ़ाई गई है। इसमें सब्जी मसाले इसबगोल की भूसी इन सब में राशि बढ़ाई गई है। ये इसमें 30,000 से 32,000 सब्जी मसाले में किया गया है, 2 हेक्टर से कम वाले में भी 18 से 19 किया गया है। इसी तरह से जो बुवाई में क्षति होती है, 15 को 16 किया है, 2 से अधिक में 20 को 21 किया है, 50% से अधिक में 30 से 32 किया है। ये जो सहतूत तसर फसल, इनमें भी संशोधन करके पूरे की पूरी आरबीसी पुस्तक में राशि बढ़ाकर इतनी राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इतनी सारी राशि हम दे रहे हैं। हमारी विद्युत वितरण कंपनियों में, ये अपन मर्सी से भी जुड़ा मामला है, हमारी जो कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से जो लाइनमैन का काम करते थे हमारे भाई, उन लाइनमैनों को विपरीत परिस्थितियों में जोखिम वाले काम भी करना पड़ते थे, उन्हें कई तरह के ग्लव्स वगैरह भी मिलते थे। ऐसे सभी लाइनमैन जो मध्य प्रदेश के अंदर थे, इन सबको जोखिम भत्ता के नाम पर 1,000 रुपया और दिए जाने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। एक जैसा आप सबको विदित होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी दीनदयाल रसोई चलती थी, आज ये विषय आया उसमें, तो इन केंद्रों को बढ़ाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है कि इनमें किफायती, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको नए फ्लेवर में अगर हो सके तो कम पैसों में, हो सके तो ज्यादा सुविधा और कैसे दे सकते हैं। इन सब विषयों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को कहा है कि स्वीकृति तो आज दे ही दी है, पर इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, उनके साथ इसे फिर प्रारंभ करने की आज तय की है अच्छे फ्लेवर में। दीनदयाल में 100 से अधिक केंद्रों के अतिरिक्त है ये, और 45 और नए दे रहे हैं, 100 पहले से संचालित है। ये ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो 1,000 बिस्तर का हमारा नवनिर्मित चिकित्सालय है, उसमें 972 नवीन पदों को सृजन करने की आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। आपने भी देखा होगा कि हमारा जो
अस्पताल ग्वालियर का नया बना है, वो काफी बड़ा बना हुआ है, 1000 बिस्तर बढ़ाए उसमें, 2196 नवीन क्षमता वाले काम किए हैं इसमें के लिए। आज 972 नवीन पद चयन करने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसी तरह से सतना का जो हमारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय था, जो अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसके प्रथम चरण के लिए जो निर्माण कार्य स्वीकृत थे उसमें 300 करोड़ के स्थान पर 328.79 करोड़ की पुनर्जीवित स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा सतना में प्रदान की गई है। कृषि के क्षेत्र में भी आज बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी, जिसका सिंचाई का क्षेत्र 14,450 हेक्टर था, उसकी भी पुनर्जीविता की स्वीकृति प्रदान आज कैबिनेट ने की है। इसमें अजयगढ़ तहसील के 47 गांवों में 14,450 हेक्टर का सिंचाई सुविधा का इन गांवों को लाभ होगा। इसी तरह से मजगांव मध्यम सिंचाई परियोजना, इसकी लागत 693.64 करोड़ था, जिसका सिंचाई का रकबा 13,060 हेक्टर है, रवि की पुनर्जीवित सिंचाई की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा आज की गई है। इसमें पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 गांवों के 13,060 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जिस सिंचाई के क्षेत्र में आज पन्ना जिले को बड़ी सौगात दी गई है। ऐसी तरह से सीएम राय स्कूल जो आप देख रहे होंगे, ये हमारे स्कूल लगातार इनकी बिल्डिंगें बन रही हैं और काफी लोकप्रिय होती जा रही है ये योजना। इनमें 70 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालयों का खोलने का और आज तय किया है। इसके लिए अनुमानित लागत 2,843.63 करोड़ में ये निर्माण किए जाने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो राजस्व न्यायालय हैं, उनमें कंप्यूटरीकरण जो परियोजना चल रही है RCMS-4, इसको आगामी 5 वर्ष 23, 24, 25, 26, 27, 28 के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव राशि 7,348.65 करोड़ रुपए व्यय किए जाने के लिए है। इसकी भी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। नवीन महाविद्यालय नंदा नगर इंदौर में स्नातक स्तर कला विज्ञान वाणिज्य और संकाय प्रारंभ किए जाने हेतु आज 25 शैक्षणिक पद 22 अशैक्षणिक पद, इस प्रकार कुल 47 नवीन पदों को सृजन करने की स्वीकृति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। 255.50 लाख का वार्षिक और अनावर्ती व 1,312.68 लाख, इस प्रकार कुल 1,568.18 लाख की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। जो आप सब देख रहे होंगे, एक लंबे समय से मांग इंदौर के अंदर चली आ रही थी, देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक, स्वशासन के नाम पर पहचानी जाती हैं और इंदौर की आस्थाओं का केंद्र भी हैं, वो उनके लिए आज इंदौर में 1.215 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। अब मां अहिल्या का स्मारक इंदौर में भव्य बनेगा। आज जो प्रदेश की उत्पादन जिले हैं हमारे कुछ, उनकी ब्रांडिंग करने की दृष्टि से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कैबिनेट ने उनकी ब्रांडिंग करने का और बाकी चीजें जो उसमें शामिल हैं, उनमें कोदो कुटकू के लिए जिला अनूपपुर, डिंडोरी मंडला सिंगरौली, तुअर दाल जिला नरसिंहपुर, चना जिला दमोह, बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला बालाघाट एवं सरसों जिला भिंड मुरैना के लिए आज इस योजना के संवर्धन योजना लागू करने का कैबिनेट के द्वारा इन 10 जिलों में तय किया है।